तो दोस्तों यहाँ इमली का ग्राफ्टिंग है जो कि 10 मई को किया था, आज 25 मई, तो 15 दिन में स्प्राउटिंग हो गया। तो दोस्तों यहाँ फलते हुए फलदार वृक्ष जो रहते हैं इमली के अच्छे क्वालिटी के, उनकी कल में आप लाइएगा और मार्च अप्रैल और मई के पहले और दूसरे सप्ताह में इसका बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो आप ऐसे एक साल के पौधे तैयार कीजिएगा और एक साल के पौधे तैयार करने के बाद में दो साल के भी पौधे पे चलता है, तीन साल के भी, चार साल के भी पौधे पे चलता है, लेकिन एक साल के पौधे पे आप रिफिल साइज का भी पौधा रहा तो उस पर आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो उसे आपको 4 इंच 6 इंच यानी आधा फीट ऊपर से आप ग्राफ्टिंग या तो उसके नीचे भी कर सकते हैं, पर ग्राउंड लेवल से ऊपर ही आपका ग्राफ्टिंग पार्ट चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार देखे गए स्प्राउटिंग बहुत जल्दी निकल गई है। वैसे मेरा जो ग्राफ्टिंग करते हुए इमली पर ग्राफ्टिंग वी ग्राफ्टिंग का वीडियो ऑलरेडी वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ देख लीजिएगा, मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है। और फिर से यह शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भाई इसे तो कैपिंग पहनाना ना भूलिएगा। और इमली में खास करके बताऊँगा कि कैपिंग को नीचे बांध दीजिएगा और मॉइस्चर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं निकलता, लेकिन आम में नहीं कर कीजिएगा क्योंकि आम में मॉइस्चर बहुत निकलता है तो आपका जॉइंट खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो आम में कैपिंग को बांधने का नहीं।